हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अर्सुल हरी। तो ये ब्लॉग तो नहीं है, और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं आइए तो वो मैं आपको बताता हूँ। और इसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कहाँ से डाउनलोड करना है। और वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है और एक ओवरऑल दूसरी वेबसाइट जहाँ पे पीसी के सॉफ्टवेयर वगैरह मुख्तलिफ मिलते हैं और ईज़िली मिल जाते हैं, उनके क्रैक वगैरह आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तो यहाँ से निकाले। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आओ स्टार्ट करते हैं। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दो जगहों से हम ये डाउनलोडिंग कर सकते हैं, सही है। अगर आपने इसको एसक्यूएल सर्वर को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, इसको इधर लिखें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2012, इसको क्लिक करें और यह फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ये लिंक दिखेगा डाउनलोड का बटन, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में करना है डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस सर्वर चाहिए, आपको 30 ये मैनेजमेंट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट आपका अगर 32 फीट है इसको करें मैनेजमेंट स्टूडियो को। फिर इसके बाद आपने जो डाउनलोडिंग करनी है वो है एसक्यूएल 32 फीट में ही एक्सप्रेस, ठीक है। ये एसक्यूएल एक्सप्रेस ये वाला 32 फीट वाला, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। और इसके बाद आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। और जिनका 64 फीट है यहाँ पे एसक्यूएल एक्सप्रेस लिखा हुआ है ये 132 वाला, और इसके एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ये 600 MB का, ठीक है। इनको डाउनलोड करें, मैंने क्योंकि किया हुआ है डाउनलोड इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करेंगे। आप क्लिक करें कोई भी और इसको नेक्स्ट करेंगे तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जितने भी आप इसको सिलेक्ट कर लें नेक्स्ट करें, ये पैकेज आपका 2 32 MB का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो क्या है, वो इधर एक वेबसाइट है गेट इन टू पी सी इधर एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, 2012 लिखेंगे आपको फर्स्ट पे जो लिंक आ जाएगा इधर मिल जाएगा, वो मैंने डायरेक्ट लिंक दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस जगह इस वेबसाइट पे आ जाएंगे आप, ठीक है। आपको कौन सी किस में डाउनलोड करना है, 32 बिट में आपका सिस्टम है और यहाँ 64 बिट में, जिसमें भी आपका सिस्टम आप वो डाउनलोड करें। मेरा 64 है, मैं 64 डाउनलोड करूँ। उधर जो है वो लैदा लैदा दो फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है, इधर एक ही पैकेज में है, ठीक है। ये डाउनलोडिंग होने लगी है, ओके तो स्टार्ट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ओके। आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ये एक पूरा पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, ओके। तो अब हम आते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में, ये डाउनलोड का फोल्डर ये कंप्रेस्ड और ये वाला, ठीक है। इसको अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और ओके यस। तो हम न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं इसकी और एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन, ठीक है। हमें न्यू इंस्टॉल करना है इसलिए हम इसको न्यू स्टार्ट हो रहा है, सेटअप प्रोसेस हो रहा है, ऑपरेशन। ठीक है, तमाम हम इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। और ये कोई अपडेट देखेगा कि आप सर्वर को अपडेट भी चाहिए, अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं तो देर इज नो अपडेट, ठीक है।
आपका था कि जो शेयर फीचर दो डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, आप इनको एज इट इज ही रहने दें। अगर आपने न्यू ऐड करनी है तो फिर यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ऐड कर लें, इसको इंस्टॉल कर। ठीक है, ये जो जो फीचर थे मैनेजमेंट और SQL की, जो कनेक्टिविटी SDK डेटाबेस सर्विस और SQL सर्वर इंस्टॉल हो गए। अब हम इसको SQL एक्सप्रेस उसने पहले ही दिया, और हम इसको कहते हैं डिफॉल्ट जो है वही नेम इसका नाम रहने दें, और इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। अभी ये कह रहा है कि हमें डिस्क स्पेस चाहिए, और हम डेटाबेस सर्वर ब्राउज़र के लिए है, ये हमने ब्राउज़र के लिए, हमने सर्वर डेटाबेस के लिए ये नहीं रखना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से आकर पूछेगा कि आपका पासवर्ड वगैरह, पहले हम ना SQL ऑथेंटिकेशन हमने रखना है, हमने इसलिए नहीं रखना क्योंकि हम इसको ना दोबारा देखेंगे, हम जब ये इंस्टॉल हो जाए तब हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तब ही हम इसको ना नेम भी दे सकते हैं, अपना अपना नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, आप विंडो ऑथेंटिकेशन ही रहने दें, मेरा AirSlide HP है, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये कह रहा है रिपोर्ट भेजनी है कि नहीं, नहीं हमने नहीं भेजनी, नेक्स्ट करो। और ये इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, ये थोड़ा एक दो मिनट लेगा, और इसको मैं तकरीबन 4x पे चलाऊँगा। 4x तो अब हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करें, आप सर्च कर लें तो आ जाएगा इधर, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जो हमने इसको विंडो पे रखा था ना, विंडो जो होती है वो ऑथेंटिकेशन के ऊपर, यूज़र जो इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है ना, क्योंकि सर्वर वही होते हैं, कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक है, ये विंडो ऑथेंटिकेशन है, इसको कनेक्ट, अगर मैंने इसको SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन में बाद में बना देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये मेरा PC जहाँ पे मेरा वो स्टोर हुआ है, डेटाबेस की प्रॉपर्टीज में जाएं। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी में हमने इसको क्या करना है, SQL सर्वर विंडो ऑथेंटिकेशन मोड में करना है, और इसको ओके कर। ठीक है, ओके कर दिया, और ओके करने के बाद इधर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे क्लिक करें, लॉगिन पे, और न्यू लॉगिन, आप एक नई लॉगिन देते गए हैं, इसको क्लिक करें। इस लॉगिन का नेम क्या रखें, लॉगिन का नेम आप रख लें, इसको फर्ज करें AR। ओके, पासवर्ड ये 1 2 3 4 5 6, कन्फर्म करें 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसके अलावा आपने इसको क्या बनाना है, इधर सर्वर रोल। ठीक है, सर्वर रोल में आपने इसको सिस्टम एडमिन बनाना है, पब्लिक बनाना है, पब्लिक के लिए क्या है, और ये इसके लिए है, आप इसको सिस्टम एडमिन भी बना सकते हैं और पब्लिक भी बना सकते हैं। ओके कर दें। ओके, तो ये हो गया जी हमारा लॉगिन का रोल, और ये कनेक्शन हमारा